नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। कल सन 2022 का बजट पारित हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अपने 1.5 घंटे के अभिभाषण के दौरान उस बजट का जिक्र किया गया है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तमाम प्रकार की अपेक्षाएं लोगों की जुड़ी हुई थी कि आखिरकार इस बजट में महिलाओं के लिए क्या खास होने वाला है, युवाओं के लिए खास क्या होने वाला है, किस कृषि वर्ग के लिए क्या खास होने वाला है, तमाम प्रकार की चीज़ें थी। आज हम आ गए हैं रीवा के बाज़ार में लोगों से जानने, लोगों का ओपिनियन लेने कि आखिर इस बजट को लेकर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं रीवा शहर के शिल्पी प्लाजा में, जहां जानेंगे कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस बजट को लेकर के, वो किस दृष्टिकोण से देखते हैं इस बजट को। आइए हम बात करने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से प्रतिक्रिया है लोगों में इस बजट को लेकर के। आइए भैया, कल 2022 का बजट आया है, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बजट पढ़कर सुनाया गया है, तो क्या कुछ अपेक्षाएं थी आपकी और क्या लगता है कि इस बार का बजट आया है तो कैसा है जनता के लिए? जनता के लिए हो गए तो बजट अपने हिसाब से है, सब कुछ जो जैसा है उस हिसाब से, व्यापारी है व्यापारी के हिसाब से, सब कुछ अपना हिसाब चल रहा है। मतलब संतुष्ट है आप? बिल्कुल संतुष्ट है, सब कुछ है। तो क्या कुछ चीज़ें आपको इस बजट में अच्छी लगी? पुली अभी बजट में देख नहीं पाया हूँ मैं, पुला आज तो कल तो हुआ है, मैं बाहर था तो देख नहीं पाया हूँ। अच्छा। जो अभी बजट देखता हूँ क्लियर करता हूँ, उसके बाद मुझे क्लियर बताएंगे। अभी आपको जानकारी लेनी है पूरी देंगे। मैम हमारे साथ मैम खरीदारी कर रही है, महिलाओं को भी बड़ा इंतजार था इस बजट का कि महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होगा इस बजट में। अच्छा है, सोने चांदी के आभूषण के बारे में सस्ते हो गए हैं, क्या कुछ नजरिया से देखते हैं इस बजट? अब जिनके पास है उनका बजट अच्छा है, हमारे पास तो है ही नहीं बजट ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, ये जो राष्ट्र जो बजट सरकार द्वारा घोषित किया गया है अच्छा है, बनाई है, अच्छा बनाई है। मैडम क्या क्या उसमें आपको कुछ खास लगा? वो कि पढ़ाई लिखाई के उपरांत पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा बोला गया है। अच्छा। शिक्षा के लिए अच्छा है, ऑनलाइन पढ़ाई उढ़ाई के लिए। अच्छा। आप इस बजट को अच्छा मानते हैं? अच्छा है। हमारे पास साथ अन्य लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं मैम जी, कल 2000 आइए आइए बात करिए। मैम कल 2022 का बजट आया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, देश का जो बजट घोषित किया गया है तो उसमें महिलाओं के दृश्य क्या कुछ आपको अच्छा लगा, किस दृष्टिकोण से देखती हैं आप? कुछ खामियां हैं या क्या? ध्यान से देखा ही नहीं है। अच्छा, आपने अभी अवलोकन ही नहीं किया कि मतलब ये बजट कैसा है? बस इतना कह सकते हैं कि बजट हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता जैसा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसमें कुछ हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा कम रेंज में होने चाहिए, एक डिसाइड किया जाना चाहिए रेंज, वो नहीं है। वो बहुत ज़रूरी है कि सामान्य वर्ग के लोगों को देख के मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ही बजट बनाया जाना चाहिए ज़्यादातर। अच्छा। हाँ, तो इस बार का बजट क्या आपने अभी गौर से देखा? नहीं ज़्यादा नहीं देखा, बट जितनी चीज़ें देखी तो कुछ चीज़ें मुझे सही लगी, कुछ नहीं भी हैं। पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, नहीं संतुष्ट है बिल्कुल भी। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कहीं ना कहीं और प्रयास होने चाहिए जी, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे बजट के बारे में, बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। सर, अब हम कल आ गए तो कहां से? कल ये जो बजट आया है केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अभिभाषण में सुनाया गया है, तो क्या लगता है कि जनता के दृष्टिकोण से कितना आप संतुष्ट हैं इस बजट से? जनता के दृष्टिकोण से हम संतुष्ट नहीं है। क्या कुछ आपको खास लगा इस बजट में? अभी ऐसा कुछ मुझे खास समझ में आया नहीं। तो फिर आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? अभी हम कुछ कह नहीं सकते, पर जब नेक्स्ट देखते हैं क्या कैसे। अभी नहीं। अच्छा, आप अभी उस बजट के बारे में और अध्ययन करना चाहते हैं? जी जी जरूर। सही ढंग से जानकारी आपने नहीं ली उस बजट के बारे में। जी जी जी। ठीक है, आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे क्या है इस बजट के बारे में। कल बजट आया है जी, मंत्री के द्वारा अभिभाषण में इस बजट का जिक्र किया गया है जी, तो आप युवा हैं, युवाओं के दृष्टिकोण से इस बजट को कैसा देखते हैं? बजट हो गया हम लोग के हिसाब से सही समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है हम लोग को। अच्छा। हाँ, ठीक लग रहा है, उसके पीछे का कुछ कारण भी होगा? होगा, बजट जो सरकार बनाती तो सब सोच समझ के बनाती कि भाई कहीं ना कहीं लोगों को, पब्लिक को फायदा मिले। अच्छा अच्छा। हाँ, बजट में ऐसा कुछ जो आपको विशेष लगा हो जिसके कारण से आप संतुष्ट हैं? नहीं, हो गया। अब हम लोग को तो मान लीजिए बजट के पीछे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, जो बजट है तो उसके हिसाब से हम लोग का अच्छा काम होता है,
और काम ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता, चल जाता है। सरकार के द्वारा जब 1 तारीख को जो बजट पेश किया गया है, उस बजट में नए युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा वो था इनको कि सरकार हमें 2 साल से जो कोरोना का वो चल रहा है उसके कारण सरकार हमें कुछ रियायत देगी, लेकिन नए युवाओं के लिए कुछ भी नहीं दिया है। और हम लोग व्यापारी 2 साल से कोरोना से जूझ रहे हैं, हम लोगों ने बहुत उम्मीद किया था कि सरकार हम लोगों को कुछ ना कुछ बेनिफिट टैक्स से लेके कुछ ना कुछ बेनिफिट देगी सरकार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो टैक्स था पुराना वही टैक्स चल रहा है ना, कोई फेर बदलाव नहीं किया गया है। और हो गया थोड़ा सा जो सरकार की नीति आई है कि ये इसको लेके कि क्या बोलते हैं उम्मीदें जिस हिसाब से आप उम्मीद कर रहे थे उस हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ। थोड़ा सा ज्वेलरी में कुछ टैक्सेस वगैरह कुछ कम किए गए हैं, क्योंकि हम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक में कोई कम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। आज दिन भर ग्राहकों की क्या स्थिति रही, ग्राहक पहले की अपेक्षा ज़्यादा आए या यथावत स्थिति बनी रही? इस कोरोना के कारण व्यापार तो हम लोग का आधा हो ही गया है। अच्छा। है ना, बिल्कुल। और आज सब कोई सावधानी रखना चाहते हैं, जिस तरह की स्थितियाँ हैं उस तरह से व्यापार हम लोगों का डाउन हो गया है। अच्छा। अब देखिए आगे, उम्मीद तो है, भगवान देखिए क्या होता है, लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई राहत नहीं मिली है जो व्यापारियों को उम्मीद थी सरकार से। हम लगातार देख रहे हैं कि आज भी लगातार लोगों की भीड़ है आभूषण खरीदने के लिए, तो आज क्या प्रतिक्रिया समझ में आ रही है बजट आने के बाद, और जनता के लिए और आभूषण की खरीदारी करने वाले लोगों के लिए बजट कैसा है? सर, आभूषण की खरीदारी करने वालों के लिए ये बजट कैसा है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बजट दिया गया है इस बार जी। लंबे समय के लिए, और साथ में जिस तरह से इस बार डायमंड पर एक्साइज ड्यूटी कम की गई है जी। ये हमारे जो मध्यम वर्ग का डायमंड के प्रति रुझान बढ़ रहा है और डायमंड खरीदने के लिए वो काफ़ी आगे आ रहे हैं, तो उसके लिए डायमंड पर एक्साइज ड्यूटी कम करना शासन सरकार के लिए ये बहुत अच्छा कदम साबित होगा और हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को इसका काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही कपड़ों पर भी एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, ये भी एक बहुत अच्छा कदम है। बीच में ये था कि गोल्ड ज्वेलरी पर, सोने के ज्वेलरी पर GST 5% की जाएगी इस बजट में, उसे भी न बढ़ाकर यथावत 3% तक रखा गया है। ये भी हमारे उपभोक्ताओं के लिए बड़े अच्छे साबित होगा। और हमारे भारतीय परंपरा अनुसार शादी विवाह में ज्वेलरी पहनना एक हमारे लिए शगुन होता है, और उसको शासन ने किसी भी तरह की टैक्सेस न बढ़ाकर और यथावत रखा है, तो मेरे ख्याल से ये व्यापारियों के लिए तो जो भी है वो ठीक है, पर उपभोक्ताओं के लिए, खरीदारों के लिए हित की बात है ये शासन के लिए। इसको हमारा माननीय मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट ने अभी ये किया गया है कि वाराणसी से लेकर के बॉम्बे कॉरिडोर बना रहे हैं, उसमें खास रीवा को विशेष रूप से जोड़ा गया है उद्योग कॉरिडोर, तो ये हमारे रीवा वासियों के लिए विशेष करके मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे उद्योग कॉरिडोर जो बनेगा उसमें हमारा रीवा भी आएगा और उसमें इंटरनेट की सुविधाएं और बाकी सभी तरह की सुविधाएं देंगे। साथ में नए स्टार्टअप के लिए जो हमें 1 साल का और समय बढ़ा दिया गया है, ये हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करेगा, और इस विषय में हमारे जो युवा वर्ग है उसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि इसका आगे वो और बढ़ें और ध्यान रखें। सर, कल ही बजट आया है और इसके बाद आज दुकानों में काफ़ी भारी भीड़ देखी गई, तो आज क्या लगता है कहीं ना कहीं लोग संतुष्ट हैं और संतुष्ट होकर के आभूषण की खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट हैं। इस समय शादी ब्याह का मौसम चल रहा है तो उसमें आभूषण की खरीदी होती है, जैसे मैंने बताया कि हमारे भारतीय परंपरा अनुसार, तो ग्राहक संतुष्ट है काफ़ी, उपभोक्ता को अच्छा लग रहा है कि कोई किसी तरह की ये ना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई बल्कि डायमंड पे एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा कदम है शासन का, सरकार का। हमारे साथ कुछ महिलाएँ भी हैं, उनसे भी जानेंगे। मैम, कल 2022 का जो बजट आया है वित्त मंत्री द्वारा जो घोषित किया गया है,
उसमें महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष लगा, कैसा बजट है महिलाओं के लिए? भाई अभी थोड़ी जल्दी, अभी जानकारी नहीं है। तो देख सकते हैं कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी किसी भी प्रकार की जानकारी इस बजट के बारे में नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता का अभाव भी देखा जा रहा है इस बजट को लेकर।